वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। 11 मई को कराची से लेके खैबर तक और खैबर से लेके कोयटा तक और कोयटा से लेके पंजगोर तक पाकिस्तान के बहुत से हलकों में ठप्पे पे ठप्पा लगा, वोट चोरी किया गया। वोट चोरों की हमें तलाश है और वोट चोरों की तलाश इसलिए है कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान का जो मैंडेट है उसको मशकूक करने की कोशिश की है और ये कौमी मुजरम है, इनकी तलाश हम सब का कौमी फ़र्ज़ है। नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब, आपने सनाउल्लाह बलोच साहब की गुफ्तगू सुनी, खुद आपने भी एक हलके में धांधली का एतराफ़ किया और सनाउल्लाह बलोच भी कह रहे हैं कि जो बलोचिस्तान कॉन्स्टेबलरी के और पुलिस के जो जवान हैं और जो लेवीज़ के जवान हैं उनको प्रिजाइडिंग अफसर बनाया गया, कम अज़ कम उनके हल्के के 12 पोलिंग स्टेशनों पर, ये सब क्यों हो रहा था? आप इससे किस तरह बरीउज़मा करार देंगे अपने आप को? मैं बिल्कुल बरीउज़मा अपने आप इसलिए करार दूंगा कि इस प्रोसेस में हमने इनकी पार्टी को जहाँ जहाँ पे हुआ हमने इनको हर किस्म की फैसिलिटेशंस दी। अख्तर जान वापस आए, मैं उनसे मिला, मैंने उनको तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसे हुआ इसकी लेकिन सब ठीक नहीं है ना? नहीं जी, सब ठीक है, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जहाँ पे अब जैसे वो बता रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो अगर पुलिस वाले हुए हैं ये कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर सबूत के साथ बात आएगी फिर ठीक होगा। वहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस में अगर आप ये बात करते हैं तो मैं आपको बताऊँ कि अख्तर जान का फ़ोन आया, मुझे भी आया, अपने चीफ सेक्रेटरी को भी आया कि वहाँ कहीं पर पोलिंग शुरू नहीं हो रही थी। देखिए, हम पाकिस्तान के उस हिस्से में इलेक्शन करवा रहे थे जो कि जल रहा है, जो हिल रहा है, उस ज़मीन को हम सीधा करने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ फोर्सेस थी जो कहती थी कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, हम उनके खिलाफ भी लड़ रहे थे, इनकी बातों को भी सुन रहे थे, वो करते ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं। लेकिन पंजगोर के और अवारान के कुछ हलकों में तो पोलिंग स्टाफ ही नहीं पहुंचा लेकिन वहां से वोट भी निकला है। देखिए ऐसे नहीं है जी, मैं फैक्चुअल पोजिशन जो होगी वो होगा, जहां पोलिंग हुई है वहां से वोट आए हैं। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि पंजगोर के कुछ हलकों में पोलिंग हुई नहीं? नहीं हुई है जी, जहां नहीं हुई जी, नहीं जहां नहीं हुई वहां से नहीं आए, नहीं आए, ऐसी बात है जी। अच्छा, आपको बताऊं एक जगह पे पोलिंग शुरू नहीं हो पा रही थी, इसके लिए अख्तर जान ने हमें कहा कि हमारे आदमी वहां पे नहीं पहुंच पा रहे, कहां किस तरह से जाए। हमने कहा कि ठीक है, हमने हेलीकॉप्टर उनको दिया, उनके पोलिंग एजेंट्स और दूसरा अमला उनके साथ रवाना, हेलीकॉप्टर जा रहा था, उनको कोई जगह नहीं मिल रही थी। उनके पोलिंग एजेंट्स को कहा गया कि यहां हम टच करते हैं ग्राउंड को, आप यहां पर अगर नीचे जाके देख लेंगे, तो वो खौफ के मारे कि नहीं यहाँ पे हम नहीं उतरते, हमको नहीं पता, इसलिए फिर वो हेलीकॉप्टर वापस आया। देखिए हमने प्रोसेस में हर किसी की मदद की, हर तरह की मदद की, लेकिन आप अपनी मदद नहीं कर सकते। मैं देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि मैं इसका विक्टिम हूँ बहुत ज़्यादा, मैं 1990 से इसका विक्टिम हूँ जनाब, लेकिन मुझे परवाह नहीं है इस बात की। लेकिन इस वक्त जो भी बात थी, इसमें इलेक्शन करवाना ही बहुत बड़ी बात थी हमारी। मैंने पहले आपसे कहा कि अपना प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से। दूसरा, मैं आपको मीर साहब बताऊँ कि टाइम बहुत कम था, थोड़ा सा टाइम ज्यादा होता तो हम उसको कुछ लिखूंगा। अच्छा, अभी जरा मसले का हल बताइए तारिक महमूद साहब, ये जो मसले का हल सजेस्ट किया गया हामिद खान और साद रफीक साहब की तरफ से कि थंब वेरिफिकेशन के जरिए जाली वोट का सुराग मिल जाएगा, ये कानून के खिलाफ बात है। सीधे से एक बात बड़ी अच्छी शफकत साहब ने खुद कर दी कि अगर चलो ये बात आ भी गई कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 लाख वोट हैं तो उसे से मालूम हो जी 80,000 चलो आपने निकाल दिए, लेकिन कानून के खिलाफ इसलिए जो वो सजेस्ट कर रहे हैं। देखें, अगर एक चीज़ कानून के खिलाफ है तो दो पार्टियों के कॉन्सेंट से वो जुरिस्डिक्शन नहीं दी जा सकती। इलेक्शन सवाल ये कि किस कौन करेगा, अगर तो इलेक्शन कमीशन की बात है तो इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त जो इख्तियार है वो सेक्शन 103AA है। वो ये कहता है कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑन द फेस ऑफ इट एक बहुत बड़ी धांधली नजर आ रही हो और वो एक समरी इंक्वायरी के जरिए उसको सॉल्व कर सके तो ये तो उनका इख्तियार है। लेकिन जो सजेस्ट किया जा रहा है तरीका वो ये है कि जनाब तमाम काउंटर फाइल और तमाम वोटर लिस्ट जो यूज्ड है वो इनको भिजवाई जाएं, उसमें शनाख्ती कार्ड नंबर भी होता है, और वो वहां से वेरिफिकेशन करके एक रिपोर्ट दें। इसका मतलब है आप एक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और ये एक लंबा प्रोसेस है। ये काम जो है 103AA में मेरे कहने के मुताबिक ही नहीं हो सकता। अगर पॉसिबली ये काम हो भी सकता है तो वो जो है सेक्शन 52 के तहत जो बाद में इलेक्शन पिटीशन लगती हैं उसमें तो शायद वो जो जज साहब होंगे उनको तो शायद पॉसिबली ये इख्तियार पॉसिबली हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल करेगा इलेक्शन, लेकिन वहां भी मेरे खदशात है। मिसाल मैं एक बात करूं, महमूद खान अचकज़ई के भाई साहब ने 1988 में इलेक्शन लड़ा था और वो जीत भी गए थे, तो वहां पर नहीं,
मौलाना गनी साहब का, मौलाना गनी साहब वर्सेज महमूद खान अचकजई, उसमें हमारे जो चीफ जस्टिस साहब मौजूदा हैं ये वहां पर उस वक्त जज थे, तो वो एज ए इलेक्शन ट्रिब्यूनल वहां पर काम कर रहे थे। इन्होंने एक हुक्म पास किया, एक तो ये कहा कि रिकाउंटिंग करवाई जाए, और फिर साथ ये भी कहा कि जिस वक्त रिकाउंटिंग करवाई जाए तो फिंगरप्रिंट्स वालों की और नादरा वालों की सारी मदद भी ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस जो सेकंड पोर्शन था उसको सेट असाइड कहा, कहा कि ये रिकाउंटिंग की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन ये जो आपने किया ये ऑर्डर गलत है। तो मेरा कहना, लेकिन ऑर्डर ठीक है मेरा ख्याल, नहीं नहीं, नहीं मेरा कहने का इसलिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि पॉसिबली वहां तो ये हो सकता है, इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, ये दोनों जो है बैठ के अगर कानून एक बात की इजाजत नहीं देता तो ये दोनों बैठ के कैसे कर सकते हैं। अच्छा जी, एक मैं चाहता हूं कि आप, फिर बात यह है कि वो वोटों को पता कैसे चलेगा कि कौन से जाली। मैं चाहता हूं कि आपको एक ओवरव्यू दे दें धांधली के बारे में, जो शिकायत हैं इसका जायजा ले रहे हैं अब्दुल सबूक सैयद साहब, उनकी रिपोर्ट देखिए। यह है शुमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली का हलका NA 40, जहां इस गाड़ी में बैठे लोग आजाद उम्मीदवार मोहम्मद नजीर खान के इंतखाबी निशान पर धड़ाधड़ ठप्पे लगा रहे हैं। इस मौके पर उनकी गुफ्तगू इस बात की इक्कासी करती है कि उन्हें किसी का खौफ है और ना ही कोई डर। ठप्पे लगाने वाला ये शख्स कह के लगाते हुए कह रहा है कि नजीर खान ने लोगों से बड़े वादे किए हैं, अगर वो जीतेंगे नहीं तो वादे कैसे पूरे करेंगे, जल्दी जल्दी ठप्पे लगाओ, रिटर्निंग अफसर ने दस्तखत भी करने हैं। NA 209 जैकबाबाद से मुस्लिम लीग फंक्शनल के उम्मीदवार मीर हसन खोसो ने कैपिटल टॉक को बताया कि उनके हलके में कुछ ऐसे लोगों ने भी वोट पोल किए हैं जो सऊदी अरब में मुकीम हैं। ये है वो प्रेजाइडिंग अफसर को जो उन्होंने लिख के दिया। हाँ, यहाँ प्रेजाइडिंग अफसर लिखता है कि वाकई बैलेट पेपर पकड़े गए हैं और ये बैलेट पेपर APOs ने इशू किए हैं। बलोचिस्तान में JUI नजरियाती के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल कादर लोनी ने कैपिटल टॉक को बताया, मेरे पास सबूत हैं, ये काफी ही प्रेसिडेंट ऑफिसर की दस्तखत से जारी हुआ है। उन्होंने हमें लिख करके दिया है कि एक कापी इस पोलिंग स्टेशन में कम है, यानी जहां पर 1000 की तादाद थी वहां पर 900 की बुक जो है उनको पहुंचे थे, तो चूंकि एक कापी उन्होंने हमारे मुखालिफ उम्मीदवार को पोलिंग स्टेशन पहुँचने से पहले उन्होंने दी थी, और ये बैलेट पेपर है इस पे जो है ये गलियों में तकसीम हो रहा था, और बाकायदा आप देख रहे हैं कि इस पे पहले से मोहर एक हमारे मुखालिफ उम्मीदवार के लगा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 100 से जायद उम्मीदवारों ने धांधली के खिलाफ अपनी तहरीरी शिकायत जमा करा दी हैं। धांधली के खिलाफ बलोचिस्तान, लाहौर, झंग, कराची और इस्लामाबाद में मुजाहरे और धरने भी हो रहे हैं, वहीं उम्मीदवारों की बड़ी तादाद सबूतों के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बैठी हुई है। कैमरामैन अब्दुल सलाम सोमरो के साथ सबूक सैयद, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। तो ये आपने सबूक सैयद की रिपोर्ट देखी, और अब हम बात करेंगे जनाब सरफराज डोमकी साहब के साथ, जो कि PB 21 सिबी से कामयाब हुए हैं, और निगरान वज़ीर आला जनाब नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब का ख्याल है कि वहाँ पे धांधली हुई है, और वहाँ से इनके बड़े भाई जो हैं वो डोमकी साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, छोटे भाई। अस्सलाम वालेकुम डोमकी साहब। वाइस्लाम अमित साहब, खैरियत से आप? जी मैं ठीक हूँ। डोमकी साहब आप क्या कहेंगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना बड़ा जरूरी था। चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि PB 21 सिबी में धांधली हुई है जहाँ पे इनके भाई इलेक्शन लड़ रहे थे और आप जीत गए, आपका क्या मौकफ है? जनाब पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी कैंडिडेट हैं जो हारे हैं वो सब कह रहे हैं कि धांधली हुई है, तो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं किए जाए। अच्छा जी हाँ, लेकिन इन्होंने कहा कि एक DC साहब जो हैं वो आपकी मदद कर रहे थे। जनाब DC साहब किसका है, गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान का मुलाजिम है, कोई मेरा जाती घर का मुलाजिम नहीं है जी। जी बारोदई साहब वो कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर तो आप हैं। हाँ बिल्कुल जी, मैंने आपको बताया हाँ कि जो उसका आपने जब ट्रांसफर करवाया तो उन्होंने जो वो ट्रांसफर था उसके लिए हमको कहा कि जी यही वहाँ पे DRO हैं, तो हमने कहा ठीक है जी हम छोड़ देते हैं उसको। इसके अलावा बाकी और जो ट्रांसफर एक आधी हुई तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप मुझे दरखास्त दे दें, हम आपके ऊपर लिख देते हैं, इसको लेना चाहे। अच्छा तो, आपका ताल्लुक भी एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल घराने से है, तारीख में आपका भी एक मुकाम है, आपके वालिद साहब का मुकाम है, और ये जो डोमकी साहब हैं सरफराज डोमकी साहब, ये मुख्तियार डोमकी साहब के भाई हैं जी, और मुख्तियार डोमकी साहब के साथ कुछ अरसा पहले एक बहुत बड़ा सानहा हुआ, वो आपको पता है वो भुट्टी साहब के रिश्तेदार भी हैं, मैं जानता हूं, और उनकी वाइफ और उनकी बेटी को शहीद किया गया कराची में। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक ऐसा आदमी जिसका खानदान पहले ही जुल्म-ओ-सितम का शिकार है
तो वो चीफ मिनिस्टर के भाई के मुकाबले में जीत गया धांधली करके। देखिए बात सुनिए, जो ये सानिया जो हुआ था तो हमारे ताल्लुकात भी हैं, हम उनके पास गए हैं, फातिहा के लिए भी गए हैं, अफसोस भी है हमको, इन बातों के ऊपर तो कोई राय नहीं है। बात हो रही है इलेक्शंस की, पावर्स की बात है, इंसानी हमदर्दी के अलावा हमारे पुराने ताल्लुकात ये नहीं कि नहीं हैं, हैं जी। सियासी बात है, आजकल की बात है, ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, जब से इलेक्शंस इंतखाबात हो रहे हैं वो उस इंतखाबात में ये सिलसिला हो रहा है। तो उनका ये एस्पेक्ट देना क्योंकि उनके साथ ये सानिया हुआ तो वह कैसे कर सकते, मुकाबला है। हम कहते हैं कि हमारे साथ इलेक्शंस हो, सही तरीके से हो, हमारी एक जज साहब बैठे हुए उनको पता है कि वहाँ की डायनेमिक्स क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट बनी है। अरविंद साहब मेरी एक बात सुने जी, जी जी प्लीज। हेलो जी जी बोले बोले। अरविंद साहब देखे, एक अगर सरकारी मुलाजिम होता है, अगर उसका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट सिटी से है, क्या वो अपना हके राजदेही इस्तेमाल नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है, कर सकता है। अगर वो सरकारी मुलाजिम अगर किसी की हिमायत करता है तो उसको वोट देने का हक है या नहीं है? वोट देने का हक है। अगर वो सिबी में मुकीम है, अगर वो सिबी में पोस्टिंग है तो उनको ट्रांसफर किया गया है, सिर्फ वजीर आला के उस पर के उसके भाई के मुखालफत में वो वोट दे रहे हैं। नहीं, लेकिन वजीर आला साहब कह रहे हैं कि इन्होंने तो कोई पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं की, सारी पोस्टिंग ट्रांसफर इलेक्शन कमीशन ने किया। ऑन द रिकॉर्ड है, मेरे पास ऑर्डर कॉपियां पड़ी हैं लोगों की, जो वहां पर जिन्होंने हमारी हिमायत की उनको ट्रांसफर किया गया। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैं पूछता हूँ जी, बताइए आप इनसे ये पूछें कि सिद्धी में माजी के अंदर जितने भी एमपीए बने हैं, जो भी बने हैं, वो अपनी मदद पे बने हैं, किसी बलोच सरदार की मदद से बने हैं? जी बताइए सर। देखिए बात सुनिए जी, इनके जो मदद कर रहे थे सरकारी मुलाजमीन, वोट देने की कोई बात नहीं है, सीधी सी बात है, वोट सब देंगे, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इनके साथ जो सरकारी मुलाजिम काम कर रहे थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, तस्वीरें भी उनके अखबारों में आपको दिखा सकता हूँ। तो फिर इसके ऊपर अगर किसी का ट्रांसफर हुआ लेकिन वो ट्रांसफर भी कैरी नहीं किया तो फिर आप इस प्रोसीजर में आप कहाँ जाएंगे? अगर आप बुरा नाम नए तो बरौदी साहब, इतनी आप बता रहे हैं कि आप बिल्कुल बेबस हैं सरकारी मुलाजमीन के सामने, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं? नहीं, मैं बेबस नहीं था। मैं बेबस अभी भी आपको, मैं बेबस नहीं था। जो मैं समझ रहा था कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, हमने इलेक्शन कमीशन के कोड्स के मुताबिक हमने वो काम किया। चले ठीक है, मेरा ख्याल है कि अगर आपके भाई का ख्याल है कि उसके साथ धांधली हुई है तो उनको चाहिए वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर। जरूर यकीनन जाएंगे, फिर वही बात है, वो जो थंब इंप्रेशन है उसी से ही पता। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज डोमकी साहब, और एक वक्फा मुझे लेने के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। एक दफा फिर कोयटा चलेंगे सनावला बलोच के पास, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैगल ग्रुप के रहनुमा सनावला बलोच साहब। धांधली के इल्जाम अपनी जगह पे, हम खुद धांधली के बहुत से शवाहद जो हैं वो कौम को दिखा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी की जो शिकस्त है, क्योंकि आपको सिर्फ एक दो सीटें मिली हैं, क्या इसकी बुनियादी वजह यह नहीं है कि बलोच कौम परस्त जमातें जो हैं वो कोई इतिहाद बनाने में कामयाब नहीं हुई, और नेशनल पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी आप एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे, अब आप जिम्मेदारी धांधली पे डाल रहे हैं? नहीं आमिर मीर साहब, ऐसी बात नहीं है। बलोचिस्तान में जरूरी नहीं कि बलोच नेशनलिस्ट हमेशा इत्याद करते रहे हों, हमने हमेशा अलग अलग भी इलेक्शन लड़ा है। कुछ 6-7 सीटें हमारे हिस्से में आती रही हैं, 6-7 सीट नशिस्तें उनके हिस्से में आती रही हैं। बुनियादी वजह यह है कि हमारे इत्याद करने की वजह से नहीं, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी नादीदा कुवतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि बलोचिस्तान के जाहिज नुमाइंदे जो असेंबलियों में आए। उसकी 8 वजूहत है आमिर साहब, मैं थोड़ा सा आपका वक्त दूंगा। पहली वजह तो यह है कि बहुत सी ऐसी कुवतें हैं जो नहीं चाहते कि बलोच और इस्लामाबाद के दरमियान जो तनाजा है, सियासी है, माशी है, इंतजामी है, वो हल हो। अगर क्रेडिबल नुमाइंदे आएंगे, लेजिटिमेट नुमाइंदे आएंगे, तो वो बलोच इस्लामाबाद तनाजे का अल का कोई फार्मूला बताएंगे, कोई बात आगे बढ़ाएंगे। वो कौन कुवतें हैं जो ये नहीं चाहती? वो कौन सी कुवतें हैं? वो जो कुवतें इस तनाजे से बराह रास्त फायदा उठा रहे हैं आमिर मीर साहब, इसमें इस तनाजा जो बलोच इस्लामाबाद कॉन्फ्लिक्ट है, इसके कुछ बेनिफिशरीज हैं, कुछ विक्टिम है, बलोच विक्टिम है। बलोच 10 साल से लाशें उठा रहा है, बलोच 10 साल से तालीम से महरूम है, तरक्की। अच्छा, ये एक अलग बहस है सनावला साहब, हम आज सिर्फ रिगिंग पे बात कर रहे हैं जी, हम सिर्फ रिगिंग पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल रिगिंग पे, मैं अभी आगे आ रहा हूं आमिर मीर साहब। दूसरी बात यह है कि बलोचिस्तान बहुत सेंसिटिव सूबा है, यहां पे आने वाली मर्दम शुमारी जो है वो नहीं आने वाली हुकूमत करेगी। इसके अलावा ग्वादर पोर्ट प्रोजेक्ट का फैसला होना था, गैस पाइपलाइन का फैसला होना था, रेको दिक का फैसला होना है,
इंसानी हकूक की पामाली 10 सालों में हुई है, उस पर कोई क्रेडिबल इंक्वायरी होनी थी। अगर असेंबलियों में नहीं, अगर असेंबलियों में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के हकीकी नुमाइंदे आते तो शायद बलूचिस्तान असेंबली अपनी स्टैंडिंग बनाती इस्लामाबाद के साथ तनाजे के। चले हम उम्मीद करते हैं कि ये जो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और मुस्लिम लीग नून और नेशनल पार्टी के जो दोस्त हमारे असेंबली में ये जो बातें आप कह रहे हैं कि हम भी यहीं पे हैं, आप भी यहीं पे हैं और मीडिया एक बहुत बड़ा चेक है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आपने पॉइंट्स गुनवाए हैं तो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर पार्टियां इसका ख्याल रखेंगी। तारिक मूसा, मुझे ये बताइए कि ये जो हमारे पास बैलेट पेपर है, मैं बैलेट पेपर आपको दिखा रहा हूँ, NA64 सुरगोदा 1, ये बैलेट पेपर मेरे पास है। अब ये वोट चोरी हुआ है, ये चोरीशुदा वोट किसी तरीके से मेरे पास पहुंच गया है, वोट चोर का सुराग कैसे लगाएं? बहुत आसान बात है, देखिए जी, गुजारिश है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो पेपर है ना, वो प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन वहां पर गए थे, जिस वक्त उन्होंने जितने पोलिंग स्टेशन है वहां पर तकसीम की, बकायदा उसका रिकॉर्ड रखा कि सीरियल नंबर इतने से लेकर इतने फलां जगह गया है, ठीक है ना जी। ये सीरियल नंबर उनके पास होगा कि ये किसको दिया है, ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिसको दिया गया है ये जवाबदेही उससे लेंगे। और बल्कि उससे अगली बात बता दो, क्वेटा में एक और वाकया भी हुआ है कि कचरे से 80 बैलेट पेपर स्टैंप वाले दिखाए गए। बड़ी सीधी सी बात है कि ये जो भी वो बैलेट पेपर निकला, एक बात, जिस वक्त ये पोलिंग बैग वापस आते हैं उसमें पूरा हिसाब होता है कि कितने यूज बैलेट पेपर हैं, कितने डिस्ट्रॉय हुए हैं, स्पॉइल्ड हुए हैं और कितनी किताबें बाकी हैं। अगर जिसका एक बैलेट पेपर भी अगर कुछ जाया भी होगा ना, वो जाया भी उसने उसके साथ रखना है, तो वो बड़ी सीधा अच्छा, हर आदमी पकड़ा जा सकता है। अब ये सीरियल नंबर जो है, ये इसकी सीरियल नंबर है, इसका रिकॉर्ड है 4205 सर, इसका यहां इस्लामाबाद भी रिकॉर्ड होगा, क्वेटा में रिकॉर्ड होगा और जिस पोलिंग स्टेशन पर गया है उस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्टाफ का नाम होगा। आज जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है इश्तियाक साहब, उन्होंने मीडिया से बात की है और ये जो बैलेट पेपर्स की हम आपको कहानी सुना रहे हैं, वोट चोरी हुआ है, एक मुकद्दस अमानत में खयानत हुई है, इस पे उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। एक एक बैलेट का हिसाब लिया जाएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कि आपको कितनी किताबें दी, उसमें कितने बैलेट पेपर थे, कितने कास्ट हुए, जो कास्ट हुए उनके अंगूठे के निशानात चेक किए जाएंगे और उसके बाद अगर उस कोई गड़बड़ पाई जाती है तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसका जिम्मेदार होगा। तो मोहतरम जनाब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फरमा रहे थे कि एक एक बैलेट पेपर का हिसाब होगा। अब ये जो बैलेट पेपर मेरे हाथ में है, मुझे उम्मीद है कि आप इनका भी हिसाब लेंगे और जो ठप्पे पे ठप्पा मैंने आपको शुमाली वजीरिस्तान में दिखाया आप उसका भी हिसाब लेंगे, और जो मैंने आपको खानेवाल की सूरत हाल दिखाई और जो बलोचिस्तान और जो सिंध के इलाकों में हुआ, आपको चाहिए कि इन तमाम वाकयात का हिसाब लें, एक एक बैलेट पेपर का हिसाब लें। ये जो वोट चोरी हुआ है ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है। हमने बहुत कंपेन चलाई, बहुत नारे लगाए, पाकिस्तान को वोट दो, पाकिस्तान को वोट दो, पाकिस्तान को लोगों ने वोट दिया, लेकिन ये जो चोरी हुए ना वोट, इसकी वजह से बहुत जो नई नस्ल है उस बहुत से जो यंग वोटर्स हैं उनका जो यकीन है पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोसेस पर वो मुतजलजल हुआ है। उसको वापस लाने के लिए जरूरी है कि ये जो चोरीशुदा वोट हैं ये वोट चोरों का आप सुराग लगाएं। ये सारा कुछ हो लेकिन इलेक्शन को एज ए होल मुतनाजा ना बनाया नहीं, बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन को हम मुतनाजा नहीं बना रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जो अगला इलेक्शन होगा वो इससे ज्यादा फेयर एंड फ्री होगा। नवाब गौस बख्श बारूदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जनाब तारिक महमूद साहब, सनाउल्लाह बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और इस उम्मीद के साथ कि ये जो वोट चोरीशुदा वोट मेरे हाथ में है, इन चोरीशुदा वोटों का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हिसाब लेगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।